हेलो रिवान, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल मेंस के आए हुए कुछ बेहतरीन प्रश्न पर डे एक छोटी सी क्लास में। एक प्रश्न बेहतरीन रोज डिस्कस हो रहा है आपके साथ। तो आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे हमें आज ये सीखना है ना, हमें आज ये सीखना है कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है पी की वैल्यू दी गई है, फिर क्यू की वैल्यू दी गई है, और ये आर की वैल्यू दी गई है आपको आर की, फिर ये एस की वैल्यू दी गई है ना, यही तो दी गई। और आपसे कहा ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा इसमें से कौन सा सत्य है हमें ये बताना है, इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है यही बताना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा ना कि किसकी वैल्यू कौन सी है। तो इतनी बड़ी पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि इतनी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये पावर एक तो 2 की पावर 29, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, फिर एक में 2 की पावर 27, 2 की पावर 26, 2 की पावर 25, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों का मल्टीप्लाई पावर कैसे किया जाएगा, इतना तो हम लोग नहीं कर सकते। तो आप समझिएगा हमारी बातों को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा ये है 2 की पावर 29 और ये 2 की पावर 27 और 2 की पावर 25 और 2 की पावर 26, पी क्यू आर एस लिखा हुआ ना। अब जो सबसे छोटी पावर हो अगर उसको कॉमन ले लिया जाए सब में से, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, जैसे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 29 है इंटू 3 की पावर 21 है इंटू 5 की पावर 8 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 27 है और 3 की पावर 21 है और 5 की पावर 8 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 26 और 3 की पावर 22 और 5 की पावर 8, और s इक्वल टू दिया गया 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो सबसे छोटी पावर होगी उसको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 2 की पावर 29, 2 की पावर 27, 2 की पावर 26, 2 की पावर 25, सबसे छोटी पावर क्या है 25, 2 की पावर 25, जो सबसे छोटी पावर होगी वो सब में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उस पावर को कैंसिल कर देना, उतनी पावर उसमें से कम पड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 25 कॉमन लिया गया तो ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा, यहां से 2 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहां पे 1 2 बचेगा, क्योंकि यहां पे 2 की पावर 26 है तो 1 2 लिख दीजिएगा, यहां पे 2 की पावर 27 है तो यहां पे 2 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि आपने 25 ले लिया है तो बच कितनी गई 2 की पावर 2, और यहां पे कितना बच जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। हमने 25 कॉमन ले लिया और इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे 2 की पावर 25 निकाल लिया तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा, यहाँ पे 2 की पावर 25 निकाल लिया तो 2 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 2 की पावर 25 निकाल लिया तो 2 की पावर 4 बचा। अब आइए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इसमें सबसे छोटी पावर क्या 3 की पावर 21 कॉमन ले तो ये चला जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 21 है चला जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 22 है तो 1 3 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 22 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 एक बच जाएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 8 कॉमन लेंगे क्योंकि सबसे छोटी पावर यही है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, यहाँ पे 1 5 बचेगा, 1 5 लिख दीजिए। हमने जो कॉमन लिया यहाँ पे 5 की पावर 8 कॉमन लिया तो ये कट गया, यहाँ पे भी 5 की पावर 8 चला गया, यहाँ पे भी 5 की पावर 8 चला गया, यहाँ से 5 की पावर 8 कॉमन लेंगे तो 1 5 बचेगा, ठीक। अब 2 की पावर 4 का मतलब ये कितना हो गया 16, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, और 2 की पावर 1 3 की पावर 1 तो 6, और 3 5 15। तो आपको ये पता चल गया कि P का मान कितना है 16, Q का मान कितना है 4, R का मान कितना है 6 और S का मान कितना है 15। तो P का मान 16 है तो P तो हमारा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ किस से, P का मान जो 16 है तो देखो Q के मान से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 15 से तो Q लिख दीजिए। अब जो Q का मान है ये किससे छोटा है 6 से तो R लिख दीजिए, ठीक है। फिर जो R है वो किससे बड़ा है, सॉरी हमने कुछ गलत लिख दिया, ये S का मान है, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे S लिखिएगा,
ठीक है। देखो 16 जो है वो 15 से बड़ा है, तो 16 15 से बड़ा, तो 16 सबसे पहले P ले लिया, 15 है S का मान तो S लिख दिया और P की ओर बड़े वाले का चिन्ह लगा दिया। अब जो S का मान है वो किससे बड़ा है, R से, तो R लिख दिया और S की ओर बड़े वाले का चिन्ह लगा दिया। फिर जो R है उसका मान किससे बड़ा है, Q से, तो यहाँ पे Q लिख दीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर बन जाएगा P इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q। देखिए कोई आंसर है पहला वाला, बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को रोज पढ़ने के लिए, रोज एक बेहतरीन प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारा रोज एक बेहतरीन प्रश्न सीजीएल मेंस का मिलेगा। ऐसे एक अच्छा प्रश्न बताइए, कहीं पर कोई डाउट किसी को, कॉमन लेने में कोई समस्या तो नहीं हुई? कॉमन लेने का हमने तरीका कुछ अलग रखा है, क्योंकि आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, उतना बेसिक समझाने की आपको जरूरत नहीं है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल।